हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फिजिक्स फैंटम। माय नेम इज़ मनीषा और सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। इतना ज़्यादा आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, वीडियोस को इतना शेयर कर रहे हैं और इतना सपोर्ट करने के लिए दिल से थैंक यू। आज का जो टॉपिक है ना वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अभी तक ना हम सब ने जैसे लॉन्गेस्ट बोन पढ़ी है, लॉन्गेस्ट स्मॉलेस्ट बोन पढ़ी है, अब बॉडी के बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गन्स का पढ़ा है, बहुत सारे पार्ट्स की स्टडी करी है, ठीक है। लेकिन आज जो मैं आपको टॉपिक करवाने वाली हूँ ना, यूजुअली इस टॉपिक पे कोई ध्यान नहीं देता है। ये जो टॉपिक है ना ये बहुत ही रेयर है लेकिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आज की जो वीडियो है ना इसमें मैं आपको स्मॉलेस्ट प्लांट के बारे में बताने वाली हूँ। सबसे छोटा पौधा क्या होता है, कैसे टाइप का होता है, क्या क्या इसके यूजेस हैं और किस तरीके से ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट था। अभी भी है लेकिन पहले के टाइम पे ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। कहाँ पर पाया जाता है और कैसा दिखता है, तो ये बहुत सारे क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आए होंगे उन सबके आंसर्स आपको इस वीडियो के थ्रू मिलने वाले हैं। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। नाउ सबसे जो छोटा और स्मॉलेस्ट प्लांट है ना उसको हम कहते हैं वॉल्फिया, ठीक है। वॉल्फिया इसका कॉमन नेम है जिसे स्मॉलेस्ट प्लांट की कैटेगरी में डाला जाता है। इसके अलावा वॉल्फिया के अलावा इस प्लांट को वाटर मील और डकवीट भी कहा जाता है, ठीक है। ये इस प्लांट के दूसरे नाम है, वाटर मील और डकवीट। कई जगह पर आप वॉल्फिया पढ़ेंगे, कई जगह पर आपको वाटर मील और डकवीट देखने को मिलेगा। इसके बाद में अब ये जो प्लांट है ना कहाँ पे पाया जाता है। यूजुअली जो हम पौधे देखते हैं वो कहाँ होते हैं, ज़मीन में, मतलब रूट्स और सॉइल से जकड़े हुए होते हैं और ज़मीन में पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो प्लांट है ना ये वाटर में पाया जाता है। वाटर कैसा, वो भी फ्रेश वाटर, ठीक है। फ्रेश वाटर चाहे वो लेक का हो, चाहे वो पॉन्ड्स हो, ठीक है। और इन सब के अलावा ये मार्शेस मीन्स की दलदल में भी ये जो पौधा है वॉल्फिया प्लांट ये आपका पाया जाता है, ठीक है। वॉल्फिया की फोटो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। अब इसमें देखिए ये जो प्लांट है ना यूजुअली फाउंड इन फ्रेश वाटर बॉडीज, ठीक है। जो फ्रेश वाटर बॉडीज होती हैं जैसे कि पॉन्ड्स, लेक, इनमें पाया जाता है। इसके अलावा ये मार्शेस का मतलब होता है दलदल, ठीक है। जो वॉल्फिया है ना ये जीनस होता है 9 to 11 स्पीशीज की, ठीक है। 9 से 11 प्रजातियों की ये एक स्पीशीज है वॉल्फिया। इसके बाद में वॉल्फिया के लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो वॉल्फिया है ना ये कैसा होता है, ये फ्री फ्लोटिंग थली होती है, ठीक है। फ्री फ्लोटिंग थली का मतलब है ये फ्लोट करता है पानी के ऊपर, तैरता है। इसके कलर की अगर मैं बात करूँ तो ये ग्रीन भी होता है और येलो और ग्रीन मिक्स करके भी ये प्लांट पाया जाता है, ठीक है। अब इसमें जो कॉमन चीज़ है और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये कि इसमें रूट्स नहीं होती हैं, ठीक है। विदाउट रूट्स ये पाया जाता है। फ्री फ्लोटिंग थली, ठीक है, ग्रीन और येलो, और येलो ग्रीन कलर होता है इसका और ये विदाउट रूट्स होता है। अभी जो पॉइंट है ना विदाउट रूट्स, ये समझने वाली चीज़ है। जब ये विदाउट रूट्स होता है मतलब इसमें रूट्स नहीं होती तभी ये फ्लोट कर पाता है, क्योंकि आपको पता है जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर क्या होती है, रूट्स प्रेजेंट होती है। रूट्स सॉइल में को आपस में जकड़ लेते हैं, जैसे प्लांट्स क्या हैं एक जगह से दूसरी जगह पे मूव नहीं करते। और काफ़ी ज़्यादा टाइम तक जो पुराने प्लांट्स हो जाते हैं वो ज़मीन में उनकी रूट्स इस लेवल पे अपने आप की पकड़ बना चुकी होती हैं कि उनको जब आप खींच के निकालते हैं तो उस टाइम पे काफ़ी सारी सॉइल भी साथ में निकल जाती है। यही वजह होती है कि जो प्लांट्स हैं ना वो एक जगह से दूसरी जगह पे अपने आप मूव नहीं करते। लेकिन जो वॉल्फिया है, जो कि ये स्मॉलेस्ट प्लांट का मैं आपको बता रही हूँ, इसमें रूट्स ही नहीं होती इसलिए ये वाटर पे फ्रीली फ्लोट करता है, मतलब इसको रोकने वाली कोई भी चीज प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें रूट्स नहीं होते। ये जो हाफ पोर्शन है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद में जो वॉल्फिया है ना, पहले के टाइम में हिस्टोरिकल पीरियड में इसे वाटर से कलेक्ट किया जाता था, मतलब जो वाटर फ्रेश वाटर बॉडीज हैं जैसे पॉन्ड्स हैं, लेक्स हैं, उनमें से इसको कलेक्ट किया जाता था और एज अ वेजिटेबल इसको खाने में यूज किया जाता था। अब इसको यूज खाने में क्यों किया जाता था, क्योंकि ये प्रोटीन का बहुत ही हाई सोर्स है। और आपको ये चीज पता है, अभी तक जितनी साइंस आपने पढ़ी उससे आपको ये चीज तो समझ में आती है कि प्रोटीन हमारी बॉडी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो वॉल्फिया प्लांट है ये प्रोटीन का हाई सोर्स था, इस वजह से इसको एज अ वेजिटेबल उस टाइम पे लोग बहुत ज्यादा खाने में यूज करते थे। आज के टाइम पे क्यों नहीं करते, क्योंकि पहली चीज तो आजकल जो टाइम है ना वो बहुत ज्यादा एडवांस हो गया, बहुत ज्यादा चेंजेस आ चुके हैं, तो लोगों के पास क्या है ना,
बहुत सारी वैरायटी है, प्रोटीन बॉडी को चाहिए उसके लिए हमारे पास मल्टी वैरायटी प्रेजेंट है, और ना अब इतने सारे जंगल बचे और ना ऐसे पॉन्ड्स और बचे हैं लेक्स वगैरह जहाँ पे हमें ऐसे प्लांट्स मिले। अब ये बहुत ही ज्यादा मतलब पहले के टाइम पे जो जंगल वगैरह थे उनमें जाके कहीं आपको पानी इकट्ठा मिले तो वहां आपको ये चीज मिल सकती है, तो इसलिए पहले के टाइम पे इसे वाटर से कलेक्ट करके एज अ वेजिटेबल यूज किया जाता था बहुत सारे पार्ट्स में। और ये इसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये प्रोटीन का हाई सोर्स था। जब ये जो वॉल्फिया प्लांट है ना, इसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये वाटर के लिए या फिर जो वाटर में एक्वेटिक बॉडीज प्रेजेंट होती हैं, फिश, टर्टल, कोई भी एक्वेटिक बॉडी, उसके लिए ये बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है, चाहे वो फिश हो चाहे वो एनिमल्स हो। लेकिन आज के टाइम में जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, पॉल्यूशन रिवर्स में और पॉन्ड्स में, मतलब पानी में, वाटर बॉडीज में जिस तरीके से पॉल्यूशन हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, तो उसकी वजह से ये भी क्या हो गया है, हार्मफुल हो गया है। ठीक है, सो ये जो वॉल्फिया प्लांट है ना, इसकी ये प्रॉपर्टी आप कह सकते हैं कि इसमें एक प्रॉपर्टी होती है कि ये प्रोड्यूस कर सकता है क्या चीज, इनऑर्गेनिक बैक्टीरिया को। अब वो जो बैक्टीरिया है ना, वो वाटर को क्या कर देते हैं, टॉक्सिक कर देते हैं। ठीक है, लेकिन अब जैसे होता है ना, बोन और बेन होते हैं, हर चीज के बेनिफिट्स भी होते हैं, प्रॉफिट्स भी होते हैं और किसी चीज का नुकसान भी होता है, तो सेम चीज वॉल्फिया के साथ है, इसके बेनिफिट्स बहुत ही ज्यादा है। अब यहाँ पे देखिए, हिस्टोरिकल बीइंग कॉल्ड फ्रॉम द वाटर, ये मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है, आप इसको पूरा स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं। इन शॉर्ट यही है कि इसको वाटर से कलेक्ट करके और बहुत सारे पार्ट्स में, एशिया के मोस्टली पार्ट्स में इसको एज अ वेजिटेबल खाया जाता था। इसके बाद में नेक्स्ट है कि ये जो है ना कर सकता है एनारोबिक बैक्टीरिया की ग्रोथ को। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको बता दिया कि उस टाइम पे ये हार्मफुल हो सकता है, अदरवाइज ये पॉन्ड और लेक के लिए ये हार्मफुल नहीं होता, इवन ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है। क्यों? क्योंकि ये वाटर में से बहुत ज्यादा अमाउंट नाइट्रोजन का कंज्यूम कर लेता है। ठीक है, अब इसमें क्या है, नॉट हार्मफुल टू योर पॉन्ड्स, ये मोस्टली जो वाटर से जो नाइट्रोजन है उसको कैच कर लेता है और जो इकोलॉजिकल बैलेंस है उसको मेंटेन करने में ये हमारी हेल्प करता है। इसके बाद में जो नेक्स्ट है, एल्गी और डकवीड जो है ना, ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, ऐसा प्रोसेस जिसमें ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद से बनाते हैं। ठीक है, अब इसमें जो ये पॉइंट है ना, फोटोसिंथेसिस और ये जो एल्गी और ये डकवीड है, ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट। तो मैंने आपको एक वीडियो में, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो उस वीडियो में मैंने आपको बताया था लाइफ अंडर वाटर में कि जो हमें ऑक्सीजन मिलती है उसमें मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजन हमको वाटर बॉडी से मिलती है। ठीक है, और उसमें मैंने प्लांट्स का भी बताया था, फाइटोफ्लेक्टम, इस टाइप के प्लांट्स का मैंने आपको बताया था कि कौन से प्लांट्स किस तरीके से इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर वीडियो नहीं देखिए तो प्लीज उस वीडियो को देखिएगा। बाकी आज के इस वीडियो में वॉल्फिया के बारे में ही था कि ये स्मॉलेस्ट प्लांट है और किस तरीके का ये दिखता है, ऊपर से विदाउट रूट्स होता है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे तो आप इसको नोट कर सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे, बट कुछ भी करिए, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।